अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, और आप सभी का स्वागत है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने ले लिया है पंगा, और ये पंगा लिया है शिवसेना नेताओं से, महाराष्ट्र की सरकार से, मुंबई पुलिस से। और इसी के बाद जिस तरीके से कंगना के विरोध में बयान आने शुरू हुए हैं वो दिखाता है कि कंगना के लिए मुंबई में राह आसान नहीं होने वाली है। और बॉलीवुड देखिए इस समय दो खेमों में बैठ गया है, जो एक कंगना के साथ नजर आ रहा है, दूसरा खेमा कंगना का विरोध कर रहा है, खुलेआम विरोध कर रहा है। और खास तौर पर आज एक बड़ा बयान दिया महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने। उन्होंने कह दिया कि कंगना को महाराष्ट्र में या मुंबई में रहने का अधिकार ही नहीं है। संजय राउत ने, शिवसेना नेता संजय राउत ने तो कह दिया है कि महाराष्ट्र सरकार को कंगना पर कार्रवाई करनी चाहिए। उधर जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, शिवसेना नेताओं के बयानबाजी पर उन्होंने कहा है मुंबई पुलिस को कि इन पर कार्रवाई करिए, क्योंकि ये चेतावनी या धमकी जैसे अंदाज में बात कर रहे हैं। उन्होंने कंगना का समर्थन जताया है। कंगना के बयानों का खासतौर पर बीजेपी के लोग समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन पीओके वाली टिप्पणी से बीजेपी ने भी दूरी बना ली है और कहा है कि हम इस तरीके के बयान का समर्थन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कंगना ने उन लोगों को तगड़ा जवाब दिया है जो खुद को मराठा सभ्यता या मराठा गौरव की एक पुरोधा के तौर पर देखते हैं। कंगना ने ट्वीट पर ट्वीट करके कहा है कि असली मराठा मैं हूं, हमने चाहे शिवाजी महाराज की बात हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई की बात हो, हमने फिल्म बनाई और उसमें अभिनय भी किया, उस फिल्मों का निर्माण भी किया। क्या है आज का पूरा मामला, आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं। और क्यों कंगना भड़क गई उन महिला प्रदर्शनकारियों पर जिन्होंने कंगना के पोस्टरों पर जूते मारे, आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से करने के लिए अदाकारा कंगना रनौत की तीखी आलोचना की है। और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि शहर में रहना जिन्हें असुरक्षित लगता है उन्हें यहां रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। उधर विपक्षी भाजपा ने अदाकारा से दूरी बरतते हुए कहा कि पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि शहर की पुलिस को बदनाम करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कंगना ने हाल ही में एक ट्वीट में सवाल किया था, मुंबई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह क्यों लग रहा है। उन्होंने 1 सितंबर की एक खबर को भी टैग किया था जिसमें संजय राउत ने कथित तौर पर कहा था कि अगर वह नगर की पुलिस से डरती हैं तो उन्हें वापस मुंबई नहीं आना चाहिए। संजय राउत ने कहा अगर वे लोग जिनका शहर से कोई लेना देना नहीं है इसे और यहाँ की पुलिस को बदनाम करते हैं तो राज्य सरकार और गृह मंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा पुलिस का मनोबल टूटेगा। उन्होंने दावा किया कि मुंबई पुलिस की छवि खराब करने के पीछे एक साजिश है। संजय राउत ने कहा राज्य के स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग को बढ़ रहे मानसिक रोगों के मामलों से निपटना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि मुंबई में वोट हासिल करने वाले उन दलों को भी ऐसे तत्वों का समर्थन करने पर शर्म आनी चाहिए जो मुंबई पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। संजय राउत ने कंगना को पीके की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले वहाँ का दौरा करने के लिए कहा। देखिए धमकी बिमकी वाली जो बात है ना बेबुनियाद है, हम लोग धमकी बिमकी नहीं देते, सबको मालूम है। धमकी इशारा ये हमारा काम ही नहीं है। ठीक है अगर हमको एक बात कोई अच्छी नहीं लगती तो हम बोल देते हैं, सड़क पर उतरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम शौहरत पैसा इज्जत सब कुछ दी है, अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है। आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है। ये जो कंगना बोल रही है ये लड़की जी सर, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने की साजिश है। मुंबई शहर असुरक्षित है, मुंबई शहर में ये है, मुंबई में ये है जी सर। इस प्रकार का माहौल बनाकर मुंबई को पूरे विश्व में बदनाम करने की साजिश चल रही है और एक बहुत ही गलत है। उधर एनसीपी नेता और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी अदाकारा की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुंबई पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि उसकी तुलना अक्सर ब्रिटेन की स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है।
देशमुख ने कंगना का नाम लिए बगैर उनकी टिप्पणियों को हास्यास्पद बताया। आप सभी जानते हैं कि मुंबई पुलिस की तुलना महाराष्ट्र पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से की जाती है। एक सक्षम पुलिस दल महाराष्ट्र का है। ऐसी हालात में कुछ लोग उनको मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके खिलाफ में जो सीनियर रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है वो कोर्ट में गए और जो उन्होंने जो कदम उठाया है उनका मैं स्वागत करता हूँ। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उधर भाजपा नेता आशीष सेलार ने कंगना रनौत की टिप्पणी से अपनी पार्टी को अलग कर लिया। उन्होंने कहा, कंगना को मुंबई, मुंबईकरों और महाराष्ट्र को पढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भाजपा का कंगना से कोई लेना देना नहीं है, हमें उनके बयानों से मत जोड़िए। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कंगना पर राज्य सरकार और मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए भाजपा के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया। सावंत ने ट्वीट कर आरोप लगाया, मुंबई की तुलना पीओके से करके अभिनेत्री ने 13 करोड़ महाराष्ट्रवासियों और मुंबई से प्रेम करने वाले तमाम लोगों का अपमान किया है। उन्होंने कहा, हम देवेंद्र फडणवीस और भाजपा की प्रदेश इकाई से कंगना और पार्टी विधायक राम कदम का समर्थन करने के लिए माफ़ी की मांग करते हैं। हालांकि भाजपा विधायक राम कदम ने कहा है कि उनकी पार्टी कंगना की आपत्तिजनक टिप्पणियों का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा, कंगना मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल राजनीतिक और फिल्म जगत के बड़े नामों का खुलासा करने को तैयार हैं। क्या राज्य सरकार इससे डरी हुई है? कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिए मुंबई पुलिस बदनामी झेल रही है। इससे पहले राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार से कंगना को सुरक्षा मुहैया कराने का आग्रह करते हुए कहा था कि वह बॉलीवुड के ड्रग माफियाओं की साठगांठ का भंडाफोड़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि वह मुंबई पुलिस से बहुत डरती हैं। उधर शिवसेना की ठाणे जिला की महिला इकाई ने मुंबई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह बताने से संबंधित अभिनेत्री कंगना रनौत की कथित टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। शिवसेना के स्थानीय मुख्यालय आनंद मठ में जमा हुए प्रदर्शनकारियों ने अभिनेत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें शहर छोड़ने को कहा। यही नहीं, कंगना के पोस्टरों पर इन लोगों ने जूते भी मारे। दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शुक्रवार को शिवसेना के उस विधायक की गिरफ्तारी की पैरवी की जिन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत को कथित तौर पर धमकी दी है। शिवसेना विधायक प्रदीप सरनाईक द्वारा कंगना को कथित तौर पर धमकी देने के मामले का हवाला देते हुए रेखा ने कहा कि उन्होंने इसका स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, मुंबई पुलिस आयुक्त, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दरअसल सरनाईक ने ट्वीट कर कहा है कि मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से करने के लिए कंगना पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा, संजय राउत जी ने बहुत ही नरम होकर कंगना को सावधान किया था, अगर वह यहाँ आती हैं तो हमारी बहादुर महिलाएँ उन्हें थप्पड़ मारे बगैर नहीं छोड़ेंगी। देखा जाए तो शिवसेना ही नहीं, एमएनएस भी कंगना के पीछे पड़ गई है, लेकिन कंगना रनौत न डरी हैं और न ही अपने बयान से पीछे हट रही हैं। वे अभी भी लगातार ट्वीट कर अपने विरोधियों पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने खुद को एक मराठा बता दिया है। कंगना रनौत ने अपने एक हालिया ट्वीट में लिखा, एक महान पिता की संतान होना ही आपकी एकमात्र उपलब्धि नहीं हो सकती। आप कौन होते हैं मुझे महाराष्ट्र प्रेम या नफरत का सर्टिफिकेट देने वाले? आपने यह कैसे निर्धारित कर लिया कि आप महाराष्ट्र को मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और अब मुझे वहाँ आने का कोई हक नहीं? वे ट्वीट कर लिखती हैं, किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है और मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, हाँ मैं मराठा हूँ, उखाड़ो, मेरा क्या उखाड़ोगे। सिर्फ यही नहीं, कंगना ने एक और ट्वीट कर अपने विरोधियों को चापलूस बता दिया है। कंगना मानती हैं कि जो लोग इस समय उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने उनकी फिल्मों का विरोध तब किया था जब उन्होंने बड़े पर्दे पर रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले किया था। कंगना ट्वीट कर लिखती हैं, जो भी चापलूस इस समय महाराष्ट्र की तरफ अपना प्यार दिखा रहा है उन्हें ये याद रखना चाहिए कि मैं पहली एक्टर और डायरेक्टर हूँ जो मराठा सम्मान शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई को स्क्रीन पर लेकर आई थी, लेकिन उस समय मेरा खूब विरोध किया गया था। कंगना रनौत इस ट्वीट में अपनी फिल्म मणिकर्णिका की बात कर रही हैं। फिल्म में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले किया था। अब कहने को कंगना ने इस ट्वीट के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि वे भी महाराष्ट्र की संस्कृति का खूब सम्मान करती हैं, लेकिन महाराष्ट्र से प्यार करने वालों को चापलूस कहना अभिनेत्री को फिर से विवादों में डाल सकता है। लेकिन कंगना अभी यहीं नहीं रुकी हैं, उन्होंने संजय राउत जैसे नेताओं को महाराष्ट्र का ठेकेदार बता दिया और पूछा कि उन्होंने राज्य के सम्मान के लिए क्या किया है।
ट्वीट में उन्होंने लिखा है, इनकी औकात नहीं है इंडस्ट्री के 100 सालों में एक भी फिल्म मराठा प्राइड पे बनाई हो। मैंने इस्लाम डोमिनेट इंडस्ट्री में अपनी जान और करियर को दांव पे लगाया। शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई पे फिल्म बनाई। आज महाराष्ट्र के इन ठेकेदारों से पूछो किया क्या है महाराष्ट्र के लिए। अब पबजी गेम बंद हो गया है तो जो मोबाइल पर गेम खेलते रहते थे युवक युवतियां वो लोग निराश हो गए हैं, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार अब फौजी गेम लेकर आ गए हैं। इस फौजी गेम की खासियत आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे ही उन्होंने गेम अनाउंस किया सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगा। लोगों ने पूछा पबजी तो बंद हुए 2 दिन हुए हैं, आप ऐप कैसे ले आए, क्या आपको पहले से पता था। लोग जो तरह तरह की मीम शेयर कर रहे हैं, कोई कह रहा है अब फौजी आ गया है, अब माजी भी आएगा, बाऊजी भी आएगा, सब्जी भी आएगा, ये जी आएगा, वो जी आएगा, तो तमाम तरह के लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन अक्षय कुमार ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आत्मनिर्भर भारत की पहल है, आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसके तहत ये ऐप लाया गया है। आइए आपको बताते हैं कि ये जो ऐप आया है, मोबाइल ऐप आया है, इसकी क्या खासियत है। पूर्वी लद्दाख को लेकर भारत चीन तनाव के बीच भारत सरकार द्वारा पबजी सहित 118 एप्लीकेशन प्रतिबंधित करने के बाद बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार शुक्रवार को अपना मोबाइल स्मार्टफोन गेम फौजी लेकर आए हैं। अक्षय ने कहा कि उन्होंने फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स नाम का यह गेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मुहिम के समर्थन में शुरू किया है। अभिनेता ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करते हुए मैं आपके सामने एक्शन गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स फौजी प्रस्तुत कर रहा हूं। अब यह गेम खेलने वालों को मनोरंजन के साथ साथ हमारे सैनिकों की शहादत के बारे में भी जानकारी देगा। उन्होंने लिखा कि इस गेम से होने वाली कमाई का 20% भारत की वीर ट्रस्ट को दिया जाएगा जो भारतीय सेना से जुड़े लोगों के लिए काम करता है। एनकोर गेम्स द्वारा बनाया गया यह ऐप अक्टूबर तक लॉन्च होने की उम्मीद है।